हम बनाएंगे पोहा चेवड़ा, घर का बहुत हेल्दी और डाइट। मूंगफली डालेंगे, थोड़ा कोकोनट, ड्राई कोकोनट डालेंगे, पोहा, मिर्ची, करी पत्ता। पहले तो मूंगफली रोस्ट करेंगे, तो थोड़ा तेल डालती हूँ। ये डाइट है, तेल बचन हो ना। खाली प्लेन पोहा चाहिए, उसको रोस्ट करके नमक मिर्ची डाल के खाओ, वो आपकी मर्जी। मूंगफली वैसे भी अच्छी होती है खाना। क्योंकि ये कच्ची मूंगफली है तो इसको थोड़ा फ्राई करना जरूरी है। और ये मैंने मोटा पोहा नहीं लिया है, मैंने पतला पोहा लिया है, चेवड़े का पोहा। मोटे पोहे से भी आप बना सकते हो, उसको अच्छी तरह पोंछ के। लोग पोहा भी डीप फ्राई करते हैं चम्मच में लेके, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। थोड़ा कलर चेंज हो जाए तो बस, फिर सब जो रोस्ट हो गया फिर हम निकाल देंगे। इसका भी कलर चेंज हो रहा है, क्रिस्पी होएगा खाने में। फिर आपको और कुछ भी डालना है तो डाल सकते हैं। चना दाल आता है जो चटनी में डाला जाता है, वो भी डाल सकते हो। और जो आपको चाहिए, ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो। अभी तेल बहुत कम लेंगे पोहा रोस्ट करने के लिए। मुझे हरी मिर्ची पसंद है छोटी छोटी करके, उसको बिल्कुल क्रिस्पी कर लेती हूँ। थोड़ा हींग भी जरूरी है। स्लो गैस, नहीं तो पोहा जल जाएगा। इसको रोस्ट करके क्रिस्पी करना है, फिर दूसरी चीज मिक्स करेंगे। है सिंपल पर खाने में बहुत अच्छा लगता है। बाजार से लेके चेवड़ा खाते हैं, कौन से तेल में करते हैं, क्या करते हैं, ये मुझे, हमें मालूम है ना। हम अच्छा तेल यूज कर रहे हैं, अच्छा सामान यूज कर रहे हैं। अभी थोड़ा मीडियम आंच पे रखूंगी, थोड़ा। मैं व्हाइट चेवड़ा बना रही हूँ, मैं हल्दी नहीं डालूंगी। इसको घुमाते तो रहना पड़ेगा, नहीं तो एक साइड लाल हो जाएगा, दूसरे साइड में रह जाएगा। टाइम देखेंगे तो 7-8 मिनट लगेगा बस, ज्यादा में ज्यादा 10 मिनट। इससे भी बड़ी कढ़ाई है तो इससे भी ज्यादा एक साथ बना सकते हो। थोड़ा आप देख लो क्रिस्पी हुआ है क्या, हो रहा है। हम और थोड़ा करेंगे क्रिस्पी, क्यों क्रिस्पी होता है तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है। नमक इसमें बिल्कुल चुटकी भर, थोड़ा सा शक्कर भी डाल दो। देखिए अभी कलर लग रहा है आपको, क्रिस्पी हो गया है बिल्कुल। पीनट, कोकोनट, अपनी मर्जी से जितना डालना चाहो, काजू, बादाम, कुछ भी डाल सकते हो। अभी देखिए बिल्कुल रेडी है, पर अभी मैं बॉक्स में, डब्बे में नहीं डाल के रख रही, उसको ठंडा होने दे रही हूँ। ठंडा होएगा तभी बॉक्स में भरने का, नहीं तो फिर गीला हो जाएगा। तो अभी आधा ढक्कन देके रख लीजिए, भले ठंडा होए।